हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 95 वीडियो है पंचायमिरवा। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा, लेकिन आज की रेड लाइन सिम्टम कुछ यूनिक टाइप अलग टाइप का है, क्योंकि आज का रेड लाइन सिम्टम डिपेंड करता है वॉकिंग पर। तो रेड लाइन सिम्टम रिलेटिंग वॉकिंग पर जो प्रॉब्लम है, जो हल है उसका, उसकी मैं आपको कुछ दवाई बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है कालीबोरम। कालीबोरम में क्या होता है, बच्चा सोया रहता है, स्लिप वॉकिंग, बच्चा सोया रहता है, उठकर चलने लगता है, तो आप तो परेशान हो जाएंगे ना कि अरे तो बच्चा सोया है, उठ के चलने लगा। हालांकि आदमी भी चलता है नींद में, लेकिन बच्चा भी चलता है नींद में। सोया हुआ है, आप भी सोए हुए हैं, आप फादर हैं, मदर हैं, सोए हुए, बच्चा नींद में उठ के चलने लगा, अब धक्का खा गया गेट से, तो ऐसे बच्चों को आप कालीबोरम 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए, तो आपका जो है बच्चा जो है इस तरह का जो स्लीप वॉकिंग है, ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है मेडुरिनम। मेडुरिनम 200 लेना है आपको हफ्ता में एक बार। इसमें क्या होता है कि जब भी आप चलते हैं तो एंकल स्टंट घूम जाता है, आप चल नहीं पाते हैं। बैठे रहेंगे कुछ दिक्कत नहीं है, खड़े रहेंगे या चालू करेंगे, जब वॉकिंग करेंगे तो आपका जो है एंकल्स जो है टंड हो जाता है, घूम जाता है, तो ऐसे पेशेंट को मेडुरिनम 200 हफ्ता में एक बार काफ़ी है। हफ्ता में एक बार लगातार कुछ 5-6 डोज दीजिए, तो जो एंकल स्टंड हो जाता है, घूम जाता है, ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एगरकस। एगरकस में क्या होता है कि जब अनसर्टनटी ऑफ वॉकिंग, जब पेशेंट चलता है तो रास्ता में, उसके रास्ते में जो भी चीज़ मिलता है उसे धक्का खाते खाते गिरते पड़ते पहुँचता है। अब उसको चाहे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी न्यूरोलॉजी का प्रॉब्लम हो, अगर आदमी चलने के समय धक्का खा रहा है, गिर जा रहा है, ठोकर खा जा रहा है किसी से, तो ऐसे पेशेंट को चाहिए एगरकस 30 पावर में 2-2 बूंद करके 3 बार दीजिए, या तो एगरकस 200 हफ्ता में एक बार दीजिए, तो पेशेंट जो भीड़ जाता है आदमी से, उसके रास्ते में जो पड़ता है उसी से भीड़ जाता है। एगरकस 30 पावर में 2 बूंद करके 3 बार या हफ्ता में एक बार दीजिए, तो पेशेंट की प्रॉब्लम जो भी रहेगी, अगर एग्जैक्ट यही सिम्टम है तो उसका जो है ये जो गिर जाता है, चलने में अनसर्टनटी है, ये जो प्रॉब्लम जो है जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है लैक्केडाइनम। इसमें क्या होता है कि जब हम चलते हैं तो हमारा जो है पेनिस फ्रिक्शन करके टाइट हो जाता है, इरेक्शन हो जाता है। ये अक्सर नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर हनीमन ने जब पॉइंट निकाला है तो ये होता है कि चलते समय आपका जो है फ्रिक्शन से, रगड़ खाने से पेनिस टाइट हो गया, तो ये शर्म वाली बात है। तो ऐसे पेशेंट को लैक्केडाइनम या तो 30 पावर में सुबह शाम लीजिए, या तो 200 हफ्ता में एक बार लीजिए, तो चलने के समय जो रगड़ खाने से, फ्रिक्शन से जो पेनिस टाइट हो जाता है, ये टाइट नहीं होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है लैकेसिस। इसमें क्या होता है कि जिस औरत के पेट में बच्चा रहता है, फीटस, जब छोटा बच्चा है तो वो मोशन करता है, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी महिला के इसमें जब बच्चा जरा भी मोशन किया, इधर से उधर किया, तो लेडीज़ क्या है, बेहोश हो गई, फेंटनेस हो गया, उनको घबराहट हो गई, तो ऐसे पेशेंट को चाहिए लैकेसिस 200 पावर में गोली में देना है। लैकेसिस 200 पावर में 3 दिन पर 1 डोज, हफ्ता में 2 बार, तो ये प्रॉब्लम जो है कुछ डोज देने से ठीक हो जाएगा। ज़्यादा इसको ड्राप में नहीं देना है, क्योंकि प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी में ड्राप आप नहीं दे सकते, गोली में आप दे सकते हैं, अभी हफ्ता में खाली 2 बार। बच्चा का मोशन मूवमेंट जो है नॉर्मल हो जाएगा, और पेशेंट को जो फेंटनेस हो जाती है, जो फेंटनेस भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एंट्रीमकोड। एंट्रीमकोड में क्या होता है, गर्मी का महीना है, आप धूप से बाजार गए हैं, धूप आपको लग गया है, और धूप लगने से आपको फीवर हो गया है, माने वॉकिंग इन सन, अगर आप धूप में ज़्यादा देर तक घूम लेते हैं, ज़्यादा देर तक चल लेते हैं, तो आप घर आते हैं आपको बुखार हो जाता है, तो आपको और कोई दवाई नहीं देकर, अगर आपको मालूम हो गया है कि धूप लग गया है, धूप में चलने से ही ये बुखार हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को एंट्रीमकोड 2-2 बूंद करके दिन में 3-4 बार लगातार दीजिए, बुखार उतर जाएगा। अगर धूप में चलने से बुखार हुआ है तो एंट्रीमकोड इसकी एक रामबाण दवाई है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एलोसोकोटिना। इसमें क्या होता है, इनवॉलंटरी अपने आप होता है, जब आप चल रहे हैं, जैसे कभी कभी पेशाब किसी को होता है, तो इसमें क्या होता है कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको मोशन हो गया, जब चलते हैं तो आपको मोशन होता है, ड्यूरिंग वॉकिंग, इनवॉलंटरी मोशन ड्यूरिंग वॉकिंग, चलने के समय आपको मोशन हो जाता है, आप इससे परेशान हैं, दवाई लेते परेशान हो गए, तो ऐसे पेशेंट को एलो
30 पावर में दो बूंद सुबह शाम, या तो येलो इसमें सुबह शाम इलेजेंस ठीक रहेगा येलो, तो चलने के समय आपका जो स्टूल निकल जाता है ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगली दवाई का नाम है बेलिस्पर। बेलिस्पर में क्या होता है कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी रहती है वो चल भी नहीं सकती, इनएबिलिटी टू वॉक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर ये प्रॉब्लम है पेट में बच्चा है तो लेडीज चलती है ना, लेकिन कुछ कुछ महिलाओं में क्या होता है कि पेट में बच्चा है, प्रेगनेंसी है, लेकिन उनको चलने में दिक्कत हो रही है, कारण कोई भी हो, सूजन हो या दर्द हो, इनएबिलिटी टू वॉक, तो ऐसे पेशेंट को आप जो है बेलिस्पर 30 पावर में, और भी गोली में देना है, ड्राई लेसन में नहीं देना है क्योंकि प्रेगनेंसी है, तो बेलिस्पर 30 पावर में 6-6 गोली दिन में 3 बार दीजिए, हफ्ता 10 दिन दीजिए, प्रेगनेंसी में जो चलने में दिक्कत हो रही है ये प्रॉब्लम जो है जड़ से ठीक हो जाएगी, आराम हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई का नाम है इग्निशिया। इग्निशिया में क्या होता है कि पाइल्स में तो पेशेंट बैठ भी नहीं सकता, खड़ा भी नहीं रह सकता प्लेंटोगो की तरह, लेकिन इसमें क्या है इग्निशिया में क्या होता है कि पाइल्स इज बेटर बाय वॉकिंग, माने आप चलते रहेंगे तो आपको आराम मिलेगा, आपके अंदर ये सिम्टम प्रोड्यूस हो जाएगा कि इससे बढ़िया हम चलते रहें तो हमारा पाइल्स ठीक रहेगा, उसके बाद आप दवाई लीजिए। ये अगर प्रॉब्लम है कि पाइल्स में आपको आराम मिलता है चलने के समय, तो आप जो है इग्निशिया देना चाहिए। इग्निशिया 200 पावर में दो दो बूंद करके सुबह शाम लगातार लीजिए तो आपका पाइल्स ठीक हो जाएगा। अगर आपका सिम्टम एग्जैक्ट यही है कि चलने से आपको पाइल्स में आराम है, इग्निशिया 200 दो बूंद सुबह शाम लगातार लीजिए, आपका इसी सिम्टम से पाइल्स भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई के नाम है पल्साटिला। पल्साटिला में क्या होता है कि पल्साटिला में हिल्स पेन जो एड़ी पेन होता है, आप बैठे हुए हैं दर्द कर रहा है, आप खड़े हो गए दर्द करता है, लेकिन आप चलते रहेंगे तो आपका हिल्स का पेन ठीक रहेगा, चाहे वो कैल्केनियस इस पर हो, लेकिन चलने से आराम मिलता है उसको, तो पल्साटिला 30 पावर में दो दो बूंद करके दिन में 3 बार, या तो पल्साटिला 200 हफ्ता में 1 बार दीजिए, पेशेंट को आराम मिल जाएगा। एग्जैक्ट सिम्टम यही होना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए, मैचिंग होगा तभी फायदा करेगी एक सिम्टम पर, और मैचिंग नहीं होगा तो फायदा नहीं करेगी। दोस्तों अगली और अंतिम दवाई का नाम है जोरोफाइलम। इसमें क्या होता है जैसे एलो में पैखाना हो जाता है चलने के समय, इसमें क्या होता है जब आप चलते हैं तो आपका पेशाब हो जाता है, ड्राप बाय ड्राप गिरता रहता है, वास्ते वास्ते आपका जो है जब चलेंगे तभी आपको फीलिंग होगा, बैठे रहेंगे 2 घंटा कुछ नहीं होगा, जब आप चलना चालू करेंगे तो आपको यूरिन होने लगेगा, चलने के समय यूरिन होगा, माने ऐसा नहीं होगा कि आप यूरिन होगा तो आप गए टॉयलेट में गए कर लिए, ऐसा नहीं, माने कपड़ा खराब हो जाएगा चलने के समय, तो ऐसे पेशेंट को जो है जोरोफाइलम 30 दो दो बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए, आप चलने के समय आपका जो यूरिन ड्रिबलिंग हो रहा है बूंद बूंद करके, आपका पेंट और जांघियाँ खराब हो जा रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का सिम्टम बताया रिलेटिंग वॉकिंग। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।